नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टडी लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। आप सबके लिए एक सुंदर अवसर है। अब आप सभी अपने मैथ्स और रीजनिंग के तमाम डाउट्स हम तक भेज सकते हैं, हम उसे सॉल्व करने का प्रयास अवश्य करेंगे। तो चलिए आज के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है 27 ए की घात में 4 ऋण 36 ए की घात में 2 भागित ऋण 9 ए का हल है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका हल क्या आएगा। तो हमने इसको सबसे पहले लिख लिया है 27 ए की घात में 4 ऋण 36 ए की घात में 2 भागित ऋण 9 ए। उसके बाद ये भाग है, यहाँ पे भागित है, तो हमने इसे बटे के रूप में लिख लिया है। ये अंश हो गया और ये वाला हर हो गया। तो ये हो गया 27 ए की घात में 4 ऋण 36 ए की घात में 2 बटे ऋण 9 ए। इसको हमने बटे के रूप में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि देखिए नीचे में हमारा 9 ए है, तो हम ऊपर में से भी 9 ए को कॉमन निकालेंगे। मतलब 9 इसमें से भी बाहर निकल सकता है और ये भी बाहर निकल सकता है, इसमें से भी निकल सकता है। तो हम ऋण 9 ए को निकाल देते हैं। 9 ए ही क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि नीचे में हमारा 9 ए है इसलिए। अब यहाँ से क्या बचेगा, तो कितना होता है 9 दिया 27। अब देखिए यहाँ पे ऋण निकाले हैं, मतलब यहाँ भी ऋण होगा, तब तो ऋण और ऋण का गुणा क्या होगा, धन। तो ये हो जाएगा ऋण। यहाँ से कितना 9 दिया 27, तो ये हो जाएगा 3 ए की घात में 3, 3 हुआ। अब गुना करते हैं, ऋण और ऋण का गुना धन, 9 तिया 27, ए की घात में 1 और ए की घात में 3, तो ये हो जाएगा ए की घात में 4। अब यहाँ पे ऋण है तो ये क्या हो जाएगा, धन। धन और ऋण का गुना क्या होगा, ऋण। अब 9 ये बाहर निकाल दिए हैं तो क्या बचेगा, 9 चौक 36, तो ये हो गया 4 और ये हो गया ए। ये देखिए ऋण और धन का गुना ऋण और 9 चौक 36 और ए और ए की घात में 2, ये हो गया। यहाँ से देखिए ये हो गया ऋण और ऋण का गुना धन। हमने क्यों ऋण बाहर निकाला है, क्योंकि यहाँ भी ऋण है इसीलिए। और यहाँ से ऋण हम बाहर निकाले तो एक ऋण यहाँ पे हुआ। अब यहाँ से इसका गुना करना है तो ये आना चाहिए, तो ऋण 9 वे ऋण 3 ए की घात में 3, तो इसका गुना करेंगे तो ऋण और ऋण का गुना धन, 9 तिया 27 ए की घात में 4, धन और ऋण का गुना ऋण, 9 चौक 36 और ए की घात में 2। अब बटे के रूप में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे है वो ऋण 9 ए। ये देखिए अब क्या करेंगे हम, ऋण 9 वे और ऋण 9 वे दोनों सेम है तो दोनों को हम काट देंगे। अब क्या बचा हमारा, हमारा बचा ऋण 3 ए की घात में 3 धन 4 ए। यही हमारा क्या है, आंसर है, जो कि हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऐसे ही आपको प्रश्नों को समझना है और उसे सॉल्व करने का प्रयास करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।